सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन थंडर में। तो गाइस, पोकेमॉन एमटीबी मास्टर सीरीज के जो लास्ट एपिसोड होने वाला है, यानी कि एपिसोड नंबर 11, ये रिलीज होने वाला है 24 मार्च को। एंड इस एपिसोड का टाइटल और समरी रिवील हो चुका था 24 फरवरी को ही। एंड इसका भी तो प्रीव्यू भी आ चुका है, जिसमें हमें काफी कुछ जानने को मिला है। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में प्रीव्यू के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि इस प्रीव्यू के बारे में बात कर चुका हूं, फुल ब्रेकडाउन कर चुका हूं। इसीलिए आज की इस वीडियो में बात करूंगा इसी एपिसोड के बारे में कि इस एपिसोड में हो कैसे सकता है, यानी कि क्या क्या होने वाला है, इसके कौन से पोकेमॉन रिटर्न आने वाले, कितने पोकेमॉन रिटर्न आने वाला है, और क्या सच में एस का पीजी और रिटर्न करने वाले है, अगर हाँ तो किस लिए रिटर्न करने वाले है, कैसे रिटर्न करने वाले है, और भी कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सब कुछ जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। इसलिए सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी मजा आएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल प्रेस जरूर कर देना। एंड फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले एक इमोशनल सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पे एस मिस्टर ब्रॉक का गुड बाय हमें देखने को मिलने वाला है। एंड ये वाला सीन हमें काफी इमोशनल करने वाला है, क्योंकि एक और बार इन तीनों का गुड बाय हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम हमें जोटो रीजन में देखा था, और उसके बाद बारिश आ जाएगा, इसलिए एस और पिकाचू पेड़ के नीचे आराम करेंगे, जहाँ पे काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन को देखेंगे, जैसे कि रैटाटा, पिजी, बटरफ्ली, ये सब पोकेमॉन वाइल्ड पोकेमॉन को देखेंगे एस और पिकाचू। और जब बारिश खत्म होगा, ये सभी पोकेमॉन फिर से जंगल की तरफ जाएंगे, जहाँ पे एस और पिकाचू अब पैलेट टाउन जाने का सोचेंगे, जहाँ पे डिसाइड करेंगे। एंड एस और पिकाचू काफी फ्रेश फील करेंगे। एंड यहीं पे लीक्स के हिसाब से टीम रॉकेट एक और बार एस के पिकाचू को चोरी करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ गाइस, टीम रॉकेट कमबैक करने वाले इस एपिसोड में लीक्स के अकॉर्डिंग। एंड इसी वजह से यहीं पे रिटर्न करने वाले है पीजी और, यानी कि पीजी और के एंट्री होने वाला है यहीं पे। फिर उसके बाद पीजी और टीम रॉकेट को हर एक के रन शूट कर देगा। एंड शायद हो सकते है कि पीजी और एस के पास परमानेंटली रिटर्न आ गए हो, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इनवाइजन में चाइजर भी परमानेंटली एस के पास रिटर्न आ गया था। तो इसी वजह से पॉसिबल है कि पीजी और भी इस बार परमानेंटली रिटर्न आ जाए एस के पास। और फिर उसके बाद एस अपना पैलेट टाउन जाएंगे, जहाँ पे अपने ओल्ड पोकेमॉन से मिलेंगे, काफी सारे ओल्ड पोकेमॉन से मिलेंगे, जैसे कि चाइजर, पिगनट, बल्बसर, बेलीफ, ये सभी पोकेमॉन से मिलेंगे। और उसके बाद एस प्रोफेसर से मिलेंगे एंड तीनों स्टार्टर पोकेमॉन से भी देखेंगे, जहाँ पे चार्मैन तो नहीं है लेकिन बल्बसर और स्क्वाटल है। एंड यहीं पे लास्ट में एस गैरी से मिलेंगे, जहाँ पे गैरी एस को क्वेश्चन करेगा, तुम वर्ल्ड चैंपियन तो बन गए लेकिन तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के कितना क्लोज आ गए हो। एंड इसका आंसर एस के पास नहीं है। एंड एस सोचेंगे कि इसी आंसर को फाइंड करने के लिए एक न्यू जर्नी पे जाएगा कि पोकेमॉन मास्टर होता क्या है। एंड इसी क्वेश्चन के वजह से एस अपने न्यू जर्नी को शुरू करेगा इस एपिसोड के एंड में, जहाँ पे एस और पिकाचू न्यू जर्नी को जाएगा। और गाइस, एस और पिकाचू जब एक न्यू जर्नी पे जाने वाला है, तभी एस और पिकाचू हो से मिलेंगे, क्योंकि इस एपिसोड का टाइटल है रेनबो एंड द पोकेमॉन मास्टर। एंड रेनबो रिप्रेजेंट करते हैं हो पोकेमॉन को, इसलिए एस और पिकाचू इस एपिसोड के एंडिंग में हो से मिलेंगे। एंड गाइस, जो लीक्स आ रहा था कि एस हो को कैच करेगा, ये शायद से गलत भी हो सकता है, क्योंकि एस एपिसोड 10 में लैटियस को कैच नहीं किया, तो हो को कैसे कैच कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एस हो को कैच नहीं करेगा, वेल देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। लेकिन गाइस, इस जर्नी को, यानी कि जो एस सफर शुरू कर रहे हैं, इस सफर को हमें नहीं देखने को मिलेगा, हमें डायरेक्ट जेनरल एनिमेसिस देखने को मिलेगा, और एस और पिकाचू को सफर ऑफ स्क्रीन दिखाया जाएगा। एंड ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आगे जाके एस और पिकाचू के लिए एक और न्यू सीरीज आए, जहाँ पे हमें एस और पिकाचू को जर्नी को कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि एस और पिकाचू को जर्नी जेनरल एनिमेसिस में कंटिन्यू कर दिया जाएगा। वो क्या होता है देखते आने वाले फ्यूचर के दिनों में। तो हाँ गाइस, यही सभी चीजें एपिसोड 11 के अंदर होने वाले हैं, जो कि पोकेमॉन एमटीबी मास्टर्स के लास्ट एपिसोड होने वाला है, जो कि रिलीज होगा 24 मार्च को। एंड इसके बाद एस और पिकाचू के लिए कोई भी एपिसोड नहीं आएगा। तो आई होप करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, पोकेमॉन एमटीबी मास्टर्स के एपिसोड 11 के बारे में काफी कुछ जानने को भी मिला होगा। तो अगर आपको कुछ भी जानने को मिला है या फिर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल प्रेस जरूर कर देना। तो फिर मैं मिलता हूँ दोबारा एक और ऐसी वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।